वो इंटरनल क्राइसिस क्या है वो दो तरह का है एक है नजरियाती फिक्री के ये जो ये जो मजहब है इस्लाम है इसको गलत रास्ते पर चला दिया गया है ये ख्याल लोगों में पैदा किया जा रहा है कि तंग द, तंग नजरी पैदा हो की जा रही है और यह ख्याल मुसलमानों में भी हो रहा है मुस्लिमों में भी हो रहा है खुद मुसलमानों में एक तबका डेवलप हो गया है और दूसरा बहरान यह है कि दीन ही से मतलब नहीं रह गया कोई मतलब नहीं है वो बहरान दीनदारों का है और ये बहरान बेदीनों का है दीन से मतलब नहीं रह गया बच्चों की तालीम छोटे बच्चों की तालीम तालीम यकीनन निहायत जरूरी चीज है लेकिन वो तालीम जो तरबियत के बगैर हो वो तो जहर है उससे तो अच्छा जाहिल रखना है मैं ये कहता हूं हर मौके पे। कि मुसलमानों को 20 साल का एजेंडा सेट कर लेना चाहिए तालीम तालीम सिर्फ और सिर्फ तालीम रूखी सूखी खाएंगे एक वक्त खाएंगे भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन अपनी बच्चियों और बच्चों की तालीम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कोई समझौता नहीं करेंगे लेकिन ये बगैर अगर तरबियत के होगा अब ये तरबियत आएगी कहां से मां बाप करेंगे जिन मां बाप की खुद तरबियत नहीं हुई वो बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे तो यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम जब अपने इलाकों में वापस जाएंगे तो इसकी फिक्र करेंगे